माँ अहिल्या योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया। इस दौरान हर उम्र वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है। यही कारण है कि देश विदेश में योग का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में योग को बढ़ावा देने एवं राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रतियोगी तैयार करने के लिहाज से माँ अहिल्या योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंदौर द्वारा योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 का शुभारंभ किया गया। अहिल्या योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंदौर के जनरल सेक्रेटरी कमलेश जैन ने बताया कि हमारा उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट टीम से लेकर स्टेट योग कंपटीशन में हर एज वर्ग के कंटेस्टेंट को प्रशिक्षण देकर सफल प्रतियोगी बना सकें। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले नेशनल योग चैंपियनशिप में अधिक से अधिक लोग प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। आज हम माँ अहिल्या योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराई जा रही है। ये इंदौर ज़िले के लिए चैंपियनशिप का ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इस चैंपियनशिप के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिससे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम तैयार होती है, जो आगे जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रतिनिधित्व करती है, आगे बढ़ती है MP मध्य प्रदेश के योगा कॉम्पिटिशन में, जिसे हम स्टेट योगा कॉम्पिटिशन कहते हैं। वहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं और वो बच्चे नेशनल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करते हैं मध्य प्रदेश को। कुल मिलाकर माँ अहिल्या योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चलेगा। वहीं योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 को लेकर लोगों में अलग सा उत्साह नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।